एप्रन लाओ, हम तीन रेसिपी तो बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन कल एक भी विकेट नहीं गया। कल देखते हैं कल का माहौल कैसा है, पहले देखना मंगा है। हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो आप? मजे में ना? मैं भी मजे में हूँ। आज मैं आपको बताती हूँ दूधी का हलवा, यानी लौकी का हलवा। लौकी खाने में एकदम अच्छी लगती है, लौकी तंदुरुस्ती के लिए भी अच्छी है, दवा के रूप से भी लौकी का जूस पिया जाता है, तो लौकी में बहुत सारे गुण है। तो चलो आज हम बनाते हैं लौकी का हलवा, यानी दूधी का हलवा। दूधी का हलवा बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके लिए मैंने ये आधा किलो दूधी लिया है, मैंने ये आधा लीटर मलाई वाला दूध लिया है, ये शक्कर ली है, ये मैंने लिया है इलायची पाउडर, ये मैंने लिए है बादाम की कतरिया, ये काजू के टुकड़े थोड़े, और ये मैंने लिया है एक चम्मच घी। अब हमें दूधी का हलवा कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें दूधी के छिलके निकाल लेने हैं। आपको अगर पूरी दूधी के छिलके निकाल रखने के हैं तो आप पूरी दूधी के छिलके भी निकाल सकते हैं। अगर आप इसे आधा काट के भी छिलके निकालना चाहते हो तो आप आधा काट के भी छिलके निकाल सकते हो। आप देख रहे हैं मैंने दूधी के छिलके निकाल दिए हैं। हाँ, लेकिन हमें एक काम करना जरूरी है कि हमें थोड़ी दूधी साइड से निकाल के चखनी है। वो कड़ू तो नहीं है ना, कभी कभी दूधी में थोड़ा कड़वास आ जाता है तो दूधी का हलवा बिगड़ जाएगा या दूधी की सब्जी बिगड़ जाएगी, तो हमें थोड़ा दूधी का टुकड़ा निकाल के चख लेना है। तो मैं ये दूधी का टुकड़ा चख लेती हूँ। नहीं, वो बिल्कुल कड़वा नहीं है। अब हमें दूधी को किस लेना है, उसके लिए हमें चाहिए ये किसनी, तो उसे हमें इसे किस लेना है। अब मैं दोनों दूधी किस लेती हूँ। आपने देखा ये मैंने दूधी किस के रख दी है। अब मैंने ये कढ़ाई स्लो गैस पे रख दी है। अब मैं इसमें डालूंगी घी। अब हमें क्या करना है, ये जो दूधी लिया है ना उसका पानी निकाल देना है। पानी निकाल के हमें दूधी इसमें डाल देनी है। मैंने पूरी दूधी इसमें डाल दी है। अब हमें इसे हिलाना है। अभी हमें थोड़ा गैस फास्ट करना है, 2 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। हम उसमें मावा बावा नहीं डालना चाहते हैं। जो हमने आधा किलो दूधी के सामने आधा लीटर दूध लिया है तो हमें बाहर से खोया यानी मावा लाने का कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा दूधी सेक के रेडी हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी दूध। ये हमें पूरा दूध डाल देना है।
आपने देखा ना, ये मलाई वाला दूध है हमारा। अब हमें गैस फास्ट करके उसको कंटिन्यूस हिलाना है। ये जब तक सब दूध जल ना जावे तब तक हमें हलाना है। दूध ठंडा है जब तक उबलता नहीं है तब तक हमें फास्ट ताप रखना है। दूध उबलेगा उसके बाद में हमें गैस का ताप स्लो करना है। अगर आप कोई भी मिठाई बनाओ तो आपको कंपलसरी हिलाना जरूरी है, क्योंकि आप हिलाएंगे नहीं तो या नीचे बैठ जाएगी या जल जाएगी। आप देख रहे हैं ना हमारा दूधी का हलवा कैसे बन रहा है। अभी तो हमें बहुत देर है, क्योंकि अभी दूधी इसमें कच्ची है और हमें दूध में ही पकानी है। तो जब तक हमारी दूधी दूध में नहीं पकेगी तब तक हमारा हलवा नहीं होएगा, और हमें ऐसे ही स्लो ताप पे पकानी है। अब हमारा हलवा तैयार होने को आया है। अब हम इसमें डाल देते हैं ये काजू के टुकड़े और ये थोड़े से बादाम। अब हमें इसके गैस थोड़ा फास्ट करना है। अभी हमारा हलवा होने को आया है। अब हमें इसे इसमें शक्कर डालनी है। इसमें हम 6 से 7 चम्मच शक्कर डालेंगे। तीन, चार, पांच और 1/6। अब हमें थोड़ा गैस फास्ट करके हिलाना है, क्योंकि शक्कर का पानी भी छूटेगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा गैस फास्ट करके हिलाना है। आपने देखा अभी हमारा हलवा सूखा और एकदम घी छोड़ने लगा है, बर्तन भी छोड़ दिया है। तो अभी हमारा हलवा तैयार होने को आ गया है। कम से कम दूधी का हलवा बनाने के लिए हमें 1/2 से 1.25 घंटा लगता है, वो आप ख्याल में रखना। एकदम सूखा और सरस हो गया हमारा हलवा। तो चलो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। हाँ, अब हम इसमें थोड़ा जो इलायची पाउडर लिया है वो भी डाल देते हैं। बाद में आपको सजा के दिखा देते हैं कि हमारा हलवा कैसा हुआ। आपने देखा हमारा हलवा तैयार हो गया है। अब ऊपर थोड़ा बादाम डाल के अच्छी तरह सजा के आपको दिखाता है। हाँ देखो, अब कलर भी इसका मावे का कलर भी कितना अच्छा हो गया है। ये हमारा हलवा रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सेव कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। भूलना नहीं।